हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के भी साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है और आप लोग इसका सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो मैं आज आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं डिटेल में। देखिए, वो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो लैपटॉप है या फिर पीसी है या ऑल इन वन पीसी है, तीनों में से कोई भी हो, ऑटोमेटिक स्लीप मोड में चला जाता है। तो हम लोग को इसे फिक्स कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, मेरे पास फिलहाल लैपटॉप है जो कि मैं नहीं चाहता कि ये ऑटोमेटिक स्लीप मोड में चला जाए। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मेरा और आपका रीजन सेम ही हो, कोई भी रीजन हो सकता है आपका जिसकी वजह से आप नहीं चाहते कि लैपटॉप ऑटोमेटिक स्लीप मोड में जाए। देखिए, ये स्लीप मोड में तभी जाता है जब हम लोग इस पर कोई वर्क नहीं करते, यानी कि इसको हम लोग 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के लिए ऑटोमेटिकली मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं, इस पर कोई वर्क नहीं करते तो हमारा लैपटॉप स्लीप मोड में चला जाता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा उसको फिक्स कैसे करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग जान लेते हैं। देखिए, उसके लिए आपको सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाना है। अगर आपके डेस्कटॉप पे कंट्रोल पैनल है तब ठीक है, नहीं तो हम लोग को विंडो 7 हो या 10 हो, कोई भी विंडो हो, सर्च बार में जाके सर्च कर लेना है कंट्रोल पैनल। मैं लिख देता हूँ CON। देखिए, इतना लिखते ही ऊपर आ गया सबसे ऊपर कंट्रोल पैनल, तो इस पर क्लिक कर देना है, देन कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। देखिए, यहाँ स्क्रीन ब्लर हो गई है क्योंकि जब कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हैं तो हो जाता है कभी कभी। हाँ, तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड प्रोग्राम्स, यूज़र अकाउंट्स, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन, ईज ऑफ एक्सेस। तो हम लोग को सिस्टम एंड सिक्योरिटी में चले जाना है। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे लेकिन फोर्थ नंबर पे आपको दिखेगा पावर ऑप्शन, तो आपको इस पे चले जाना है। अब देन आप यहाँ पे देख पाएंगे बैलेंस रिकमेंडेड होगा, तो यहाँ पे चेंज प्लान सेटिंग देगा और हो सकता है कि आप में यहाँ पे भी कुछ लिखा रहे, वहाँ मतलब दो जगह आप पे चलान चेंज प्लान सेटिंग दिया रहे, तो आपको दोनों को जाके बारी बारी से चेक कर लेना है। सबसे पहले आप ऊपर में चले जाएंगे। देखिए, मैं उसको अभी जस्ट एक मिनट पहले फिक्स किया हूँ, मैं चेक करने के लिए किया था कि ये आसानी से हो जाता है कि नहीं होता है, क्योंकि इसके पहले मैं अपने दूसरे लैपटॉप में किया था जिसमें ऑटोमेटिक स्लीप मोड में चला जाता था। तो देखिए, मैं इसको नेवर पे कर दिया हूँ, लेकिन आपका हो सकता है 5 मिनट का टाइम लगा हो, 10 मिनट का लगा हो, इतने टाइम अगर आप स्क्रीन पे वर्क कोई नहीं करते हैं लैपटॉप में तो वो स्लीप मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन दी या एक, दोनों को जाके नेवर कर देना है। अब उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, ये जो है सेव हो जाएगा। अगर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन देता है तो उसको भी ऐसे जाके नेवर कर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ से कट कर देना है सिंपली, और आपका जो लैपटॉप है या फिर पीसी है वो ज़िंदगी में कभी भी स्लीप मोड में नहीं जाएगा। तो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, आप एक बार फ़िलहाल यहाँ पे टाइम देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, टाइम दिखा रहा है 4:19। अब मैं आपको नियर अबाउट 1 घंटे इसको छोड़ के दिखा देता हूँ, 1 घंटे तक आप लोग इसका लाइव प्रूफ देखिए, ये जो है बंद नहीं हो सकती स्क्रीन, कोई मतलब कोई प्रश्न ही नहीं होता कि ये स्क्रीन बंद हो जाए। तो मैं इसको वैसे छोड़ देता हूँ 1 घंटे तक, आप लोग लाइव प्रूफ अगर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और वीडियो में अगर बने रहना है तो आप बने रह सकते हैं, और अगर आपको वीडियो को नहीं देखना है तो आप नहीं देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो स्क्रीन है, सॉरी स्लीप मोड का प्रॉब्लम है वो फिक्स हो गया, यानी कि स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं होगी। तो यहाँ पे टाइम देखिए, फ़िलहाल 4:19 हो रहा है, तो हम लोग इसको नियर अबाउट 5 तक छोड़ देते हैं, यानी कि 4:19 हो रहा है, हम लोग इसको लगभग 5:15 तक, यानी कि 5:15 तक चलाएंगे, चलाएंगे नहीं मतलब इसको छोड़े रहेंगे कि देखेंगे ये स्लीप मोड में जा रहा है या नहीं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग इसको देख लीजिए।
तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी तक तो ये स्लीप मोड में नहीं गया है और मुझे उम्मीद है कि ये स्लीप मोड में जाएगा भी नहीं। लेकिन फिर भी मैं जितना आपको बोला था, जितना आपसे वादा किया था, उतने समय तक मैं इसको चला के ही रहूँगा। चाहे वीडियो एक घंटे की हो जाए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो बोला था वो आप लोगों के लिए करके ज़रूर दिखाऊँगा।
तो देखिए ये लगभग एक घंटे से ज़्यादा चल चुका है जितना मैं आपको बताया था, तो अब मैं इस वीडियो को रोक देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यकीन भी हो गया होगा कि ये जो तरीका है ये वर्क करता है, लैपटॉप ऑटोमेटिक स्लीप मोड में नहीं जाता है। तो प्लीज़ आप लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।